मंडी जिला के पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत जल शक्ति विभाग कार्यालय के बाहर देर रात सड़क पार कर रहे ट्रक चालक को टक्कर मारकर मौके से फरार होने वाले वाहन और चालक का सुंदरनगर पुलिस ने 7 दिनों की गहन जांच के बाद पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वाहन को भी कब्जे में ले लिया है। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर पुलिस ने शहर के विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के डेटा की गहनता से जांच करने के उपरांत पुलिस को सड़क पार कर रहे ट्रक चालक को टक्कर मारने वाली गाड़ी मारुति ऑल्टो होने का पता चल गया था, लेकिन फुटेज में नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा था। लेकिन पुलिस टीम ने गहनता से जांच करते हुए गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया और कार को सुंदरनगर शहर से बरामद कर कब्जे में ले लिया। दिनांक 17/2/24 को जल भवन बस स्टैंड के पास एक हिट एंड रन का केस हुआ था, जिसमें भीष्म तत्ता पानी जो है उनकी जो है ड्राइवर थे उनकी डेथ हो गई थी। पुलिस ने इसमें सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के थे वहाँ से फुटेज को चेक किया, उसका एनालिसिस किया, तो हमारे को एक अल्टो गाड़ी ब्लैक कलर की जो है सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखाई दी। तो उस गाड़ी को पुलिस ने डिटेन किया, करने के बाद जो है जो उसका मालिक था प्लस जो ड्राइवर था उससे इंक्वायरी की गई, इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। तो हमारे को जो है बाद में उस गाड़ी की जो है टूट फूट उसका शीशा टूटा था उसके बारे में पता लगा। तो पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद जो है हमने उस गाड़ी को जो है इस मुकदमे में सीज किया है। जो सीज करने के बाद पूछताछ पर पाया गया है कि विक्रम सिंह जो अन्नी से आए एक व्यक्ति जो उस गाड़ी को उस रात्रि को चला रहा था और उसके द्वारा ये जो दुर्घटना हुई थी। मैं आम पब्लिक से ये आग्रह करता हूँ कि कभी अगर रोड एक्सीडेंट पर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो घायल व्यक्ति को तुरंत या अस्पताल पहुँचाएँ और पुलिस को सूचित करें। मौका से भागकर जाना एक इस एक्सीडेंट से बचने का जो है उपाय नहीं है। पुलिस को सूचना देना जो है सबका अधिकार, समय पर सूचना दें और घायल व्यक्ति की जो है मदद करें, जिससे जो है हम किसी घायल व्यक्ति की जान बचा सकें।